हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और कल की डेट में यहाँ पर कुछ स्टॉक्स दिए गए थे और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया था अगेन आज उसी तरीके के स्टॉक्स आपके लिए लेके आऊ बट हम पहले रिव्यू कर लेते कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड तो देखिए यहाँ पर ये स्टॉक्स दिए थे ब्रेकआउट स्टॉक्स तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इन होटल्स कल रात को ही कह दिया था इन होटल्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्यों क्योंकि जब भी ये वाली कैंडल बन जाती है यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर जब भी ये वाली कैंडल बनती है तो इसका मतलब मुझे नजर आता है कि गिरावट होगी होगी और ये आज की डेट की कैंडल बन गई है तो कंफर्म कर रहे हैं कि यहाँ से गिरावट होगी और यहाँ से नीचे गिर जाता है तो याद रखिए यहाँ से गिरावट पक्की है तो यहाँ पर ये स्टॉक्स हो गया इसके अलावा हमने एम्फेसिस से रिलेटेड बातें करी थी एम्फेसिस आप यहाँ पर आज देख सकते हैं एम्फेसिस यहाँ पर आज की डेट में किस तरीके से इसने काम किया तो आज की डेट में ये शेयर जहां बताया था उससे तो ऊपर गया था बट ऊपर जाने का, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई थी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा अगर आप लगाते तो ऊपर के पे थोड़ा बहुत पैसा लगभग बीस तीस रुपए यहाँ पर कमा के चुपचाप निकल सकते थे आ, बट स्टिल यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई है अगेन ये रेड कैंडल मुझे क्या नजर आ रही है यहाँ पर रेड कैंडल नजर आ रही है गिरावट की इसके अलावा हमने आपको दिया था मास्टैग ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्टेक ने क्या परफॉर्मेंस किया है मास्टेक ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है और लगभग छियासी रूपए यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से आपको बताया ब्रेकआउट और यहाँ पर छियासी रुपए यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से अगर ये अपने इस लेवल को निकालता है तो यहाँ पर याद रखिये शेयर सीधे जाएगा यहाँ पर जो छत्तीस के लेवल पे जाएगा लगभग दस का यहाँ पर आपको प्रॉफिट सीधा होता हुआ नजर आता है अभी भी यहाँ पर आप अपनी निगाहें बना के रख सकते हैं और यहाँ पर आर की बात करें आर भी यहाँ पर अच्छा खासा है तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक्स की माइंट्री एल टी टी एस माइंट्री एल टी टी एस कमजोर लग भी रहा था यहाँ पर उस लेवल को निकालना जरूरी भी था तो ना माइंट्री और एल टी टी एस दोनों ही यहाँ पर स्टॉक्स उसमें आ, बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सके देखिए ब्रेकआउट आया ही नहीं जब ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर गया ही नहीं मैंने आपको बता दिया था इस लेवल को निकालेंगे तभी जाके होगा इस लेवल को निकाल नहीं पाए तो यहाँ पर अब रहा है यहां पर शायद कंसोलिडेशन होगा ऐसी एल भी इसी तरीके से यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दिया था यहाँ पर देख सकते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पर उसी रेंज में घूम रहा है इसके अलावा हमने ग्रीन प्लाई दिया था यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लाई ने क्या मचाया था यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन प्लाई ओके okay. यहाँ पर देखिए ग्रीन प्लाई का नाम लिख रहा है ग्रीन प्लाई आपको कल दिया था आपको बताया था अच्छी खासी रैली हो सकती है तो यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देखिए यहाँ पर सीधे ऊपर गया आ, कितने दो सौ चौबीस रुपए पे लगभग आठ परसेंट तो आज भागी भाग है यहाँ पर आप देख सकते हैं आठ परसेंट तो भागी है बट और अच्छा खासा ये भाग सकता है आज के लिए भी यही स्टॉक्स यहाँ पर है याद रखिये ग्रीन प्लाई तेईस दो सौ सत्ताईस ओके और मेन लेवल आपको बता देता हूँ दो सौ सत्ताईस पॉइंट पैंतीस मतलब दो सौ अट्ठाइस को अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली दोबारा होती हुई दिखाई देगी जो कि इसे यहाँ पर तक लेके जा सकती है पूरे जो इसका ऑल टाइम हाई था तो इसके लिए भी आर एस आई की बात करें तो इसका आर भी सपोर्ट कर रहा है आर कह रहा है कि हाँ भाई मुझे यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ पर अच्छी खासी जंप दिखाई दे सकती है तो में डट रही है इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर और भी स्टॉक्स का जिससे रिलेटेड इंटलेक्ट डिजाइन इंटरलेक्ट डिजाइन पॉलीमेड तो यहाँ पर देखिए मोस्टली सारे स्टॉक्स ने यहाँ पर मचाया है यहां पर अगर बात करें इंटेलेक्ट डिजाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरलैक्टिजाइन तीन परसेंट यहाँ पर भागता हुआ नजर आया है ओके बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉशियस रहना है क्यों क्योंकि यहाँ पर से एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है ओके जो कि इसे यहां तक लेके जा सकती है जब नीचे आएगा तो फिर दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है बट स्टिल अभी यहाँ पर एक कॉशियस रहना है तो इंटेलेक्ट डिजाइन इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको बताया था पॉली मेडिक्योर ओके पॉलीमेडिक और यहाँ पर देख सकते हैं पोलीमेडिक और पांच छह परसेंट भागता हुआ नजर आया था ओके okay, लगभग चार परसेंट पे पर बंद हुआ है बट स्टिल यहाँ पर और ज्यादा भागता हुआ नजर आया था और इसका लेवल जो मैंने आपको बताया था सबसे पहले यही है इसने अगर अपना ये वाला लेवल निकाला तो यहाँ ये पहुंचेगा और इस लेवल को निकालते निकालती चीजें यहाँ पर ऊपर की तरफ ही जानी है फिर टुकनी नहीं है तो यहाँ पर एक बेहतरीन शेयर ये भी नजर आया है आर भी सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पर हमें ऊपर ही ऊपर जाना है ओके ये आज के लिए आज का भी यहाँ पर इसे लिया था इसे बताने के लिए तो पॉलीमेड की तरफ ध्यान दीजिए मदरसन मदरसन सोमी वायर दोनों यहाँ पर बताया था तो यहाँ पर दोनों शेयर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भागे है मदरसन सोमी ओके यहाँ पर ऊपर की तरफ गया ऊपर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया और उसी सपोर्ट लेवल से नीचे आया याद रखिए सपोर्ट लेवल काफी मैटर करते हैं एक सौ पर देखिए ये जो ये वाली जो कैंडल है ओके एक की यहाँ पर तो ये कैंडल को निकालना बहुत जरूरी है जो कि आज के डेट में निकाला भी था एक तो इस लेवल को निकाल लेती है व, वन, 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 वन 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 इस लेवल को निकाल लेती है तो यहाँ पर याद रखिए एक अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आएगी और जो कि इसे की थर्टी इस परसेंट का प्रॉफिट फिर यहाँ पर लेके जा रही है याद रखिए यहाँ पर लेके जा रही है इसके अलावा हम बात कर रहे हैं मदरसन तो जिस दिन आया था उस दिन भी बता दिया था उससे बाद भी बताया था जब गिरावट हुई थी तब भी बताया था कल भी बताया था कि ये स्टॉक्स में अपर सर्किट लगना है देखिए मार्केट में जब से मार्केट यहाँ पर कोविड हुआ है ओके मैंने इतने इतना सीखा है इतना सीखा है कि मैं और भी ज्यादा सीखने का इच्छुक हूँ और यहाँ पर देखिए आज की डेट में भी अपर सर्किट लगा है लगा है क्यों लगा क्योंकि जब भी कोई न्यू स्टॉक किसी पर्टिकुलर कंपनी से डीलिस्ट होता है तो बेशक से थोड़ी बहुत टाइम में गिर सकता है है बट उसके बाद जब भागना शुरू करता ना तो इस तरीके से भागता हुआ नजर आता है और आपके पैसों को अच्छे खासे बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अपर सर्किट और मुझे लगता है इस लेवल को अगर इसने निकाला सिक्सटी जो इसका यहाँ पर आज था सिक्सटी एट लगभग सिक्सटी को अगर इसने क्रॉस किया तो याद रखिए एक बेहतरीन रैली होती हुई नजर आएगी जो इसे सौ से भी पार यहाँ पर लेके जा सकती है क्योंकि ऑपरेटर इसमें क्या है एक्टिव इसके अलावा हम बात करेंगे एक से और स्टॉक टिन एंड दोनों आपको दिए थे लेट एंड व्यू ओके okay, मैंने आपको कल भी बता दिया था लेटेंट व्यू इतना खास नहीं लगता बट ये अगर इस पर्टिकुलर लेवल से ये देखिए ये लेवल दिया था इसके ऊपर जाता है ओके तो यहाँ पर चीजें अच्छी खासी होती नजर आएगी तो यहाँ पर आज फेल होता हुआ दिखाई दिया ऊपर गया ही नहीं तो यहाँ पर तो कोई किसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं थी इसके अलावा यहाँ पर टिमप्लेट ऊपर जाता है चीजें तब ब्रेकआउट होता है याद रखिए ब्रेकआउट का मतलब ऊपर जाना ब्रेकडाउन का मतलब है नीचे आना तो ऊपर जाएगा तभी यहाँ पर हो पाएगा तो यहाँ पर देखिए टेन भी सेम एज इट इज ऊपर जाने की यहाँ पर जब तक ये इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं है तो यहाँ से ऊपर तो गया नहीं यहाँ पर इसने रेड कैंडल बना दिया मतलब यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है यहाँ पर गिरावट भी नजर नहीं आती थोड़ी बहुत गिरावट होती है तो कुछ कह नहीं सकता बट चीज रिजल्ट के बाद शायद यहाँ नजर आ सकती है क्यों क्योंकि तो अच्छी खासी रैली तीन से सात चार सौ रुपए तक कर चुका है तो हम इसी तरीके के और भी स्टॉक्स आज की डेट में लेके आए हैं ओके जो आपको यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनाते हुए नजर आएंगे तो ये ओवरव्यू था कल के वीडियो का

ओके okay, और इस लेवल को, को निकाल देता है इसके बाद इस लेवल को निकाल देता है यहाँ पर ओके सात सौ सात सौ दस सात सौ सात सौ पंद्रह सात सौ बीस के आसपास ये लेवल निकाल देता है तो एक अच्छी खासी जंप दिखेगी इस शेयर में जो कि इसे की इसे ऊपर लेके जाएगी जो कि राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर आ सकती है तो यहां पर कॉशियस भी रहना है तो अगर इस लेवल के ऊपर जाए चीजें तभी आपको खरीदनी है इस लेवल के ऊपर नहीं जाती तो चुपचाप में यहाँ पर वेट करना है चीजें नीचे आने का वेट करना है देखना है कहाँ पर सर क्योंकि सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है ये इसका रजिस्टेंस है और फिर उसके बाद यहाँ पर ये रजिस्टेंस नजर आता है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इंटरलैक् इंडियन होटल से रिलेटेड कर लिया अब बात करेंगे एक एमसी से रिलेटेड आदित्य बिरला सन लाइफ यहां पर आदित्य एक एक्ट दीजिए बिरला यहां पर थोड़ा सा देख लेते एक बार बिरला सन हाँ देखिए देखिए यहाँ पर आ गया आदित्य बिरला यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा एक जब देखिए कोई भी ना एच डी एफ सी चल रहा था ना नेपोन चल रहा था उसके इसमें क्या हो रहा था यूटीआई चल रहा था और यूटीआई ने अच्छे खासे पैसे बनाए थे ये शेयर एक अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी दे चुका है Okay, यहाँ पर देखिए 30% परसेंट के आसपास की गिरावट हो चुकी है और यह भागता हुआ नजर आ रहा है और इसने जो अपना हीतालीस को क्रॉस करता है तो एक अच्छी खासी रैली होती हुई नजर आएगी जो इसे यहाँ तक लेके जाएगी ले कहाँ तक लेके जाएगी लगभग फाइव एटी सेवन रुपीज तक यहाँ पर लेके जाती हुई नजर आती है राउंडिंग राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ पर चीज जाती है और इस लेवल को भी निकाल दिया तो याद रखिए

इसी तरीके से यहां पर नजर आता है इसने अपना ही लेवल आज का जो सेवन एटी एट का था आज के दिन एट परसेंट भागता हुआ नजर आया ओके okay, इस लेवल को अगर ये निकाल देता है तो ये शेयर फिर यहाँ पर इस लेवल को पे भागेगा आठ और इसे भी अगर यहाँ पर से निकाल देता है सीधे नौ पर रुपए तक की भी जंपा सकती है काफी बेहतरीन स्टॉक्स है ओके okay, मजबूरी में मार्केट गिर रही थी तो इसे भी नीचे आना पड़ा रिजल्ट काफी बेहतरीन सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन नजर आता है और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेशन करके चीजें जब ऊपर जाएगी तो राउंडिंग जो बॉटम बनेगा चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी तो ये शेयर की तरफ भी आपको क्या देना है ध्यान देना है इसके अलावा हम बात करेंगे एक और शेयर से रिलेटेड अभी कुछ दिन परसों बताया था ऑर्गेनिक उसके बाद से जो है है मूव देना शुरू किया अच्छा खासा ऑलरेडी मूव दे चुका है इस अगर ये अपने इस लेवल को और मोस्टली यहाँ पर ये वाला लेवल याद रखिए कितना एक हजार सैतीस एग्जैक्ट लेवल में आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सा है आ, एक हजार चालीस एक हजार चालीस को अगर ये क्रॉस करता है तो याद रखिए एक, एक हजार चालीस एक, एक हजार इकतालीस के बाद जो रैली होगी यहाँ पर इस शेयर को यहाँ पर ग्यारह सौ चौसठ तक लेके जा सकती है और इसके बाद अगर रैली हुई तो सीधे यहाँ पर ये यहाँ ये अपने ऑल टाइम हाई तक जा सकता है राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के निकलती हुई नजर आती है तो इसकी तरफ भी आपको क्या देना है ध्यान देना है इसके अलावा हम ध्यान देंगे आरती इंडस्ट्री पे यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म में ही एक एक दिन में यहाँ पर तीन परसेंट चार परसेंट दो परसेंट एक परसेंट के रिटर्न इजीली मिल सकते हैं बस आपको यहां पर चीजें ध्यान में रखनी है और एक एक दिन में इतने परसेंट के रिटर्न मिलते हैं तो अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न माने जाते हैं ये भी राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर निकलती हुई नजर आ रही है और इसने आज का अपना लेवल जो आज था नौ का याद रखिए यहाँ पर और एग्जैक्ट हाँ नौ का अगर इसने क्रॉस किया तो ये शेयर सबसे पहले एक हजार तक जाएगा और ये और अगर उसके बाद अगर इसने ये ये इसने लेवल एक को क्रॉस किया तो इसके बाद यहाँ पर ये एक हजार चालीस और उसके बाद ऊपर जाते ही नजर आ रहा नीच है नीचे जाता रुकता नहीं नजर आ रहा है काफी बेहतरीन जितने भी केमिकल कंपनी थी उसमें सबसे अच्छे नंबर इसी के आते हुए दिखाई दिए थे इसके अलावा ए एस आर एल रिटेल बेहतरीन स्टॉक्स जब यहाँ पर मार्केट नहीं गिरती थी शेयर भाग रहा था मार्केट गिरी ये शेयर यहाँ पर से गिरता हुआ नजर आया ओके तो और लगातार इसमें गिरावट ही गिरावट नजर आई बट ये पिछले दो दिन से चालू हो गया चलना और ये अपना ये लेवल आपको बत एक एक्जेक्ट एक लेवल बता देता हूँ अगर ये इस लेवल को निकाल देता है एक सौ रुपए के लेवल को तो यहाँ पर रखिए ये शेयर यहाँ पर भागेगा और इस लेवल को निकाल देता है एक सौ छ को तो सीधे ये एक आ, एक 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 बीस के लेवल को पहुंचेगा और धीरे धीरे करके राउंडिंग बॉटम ये भी इसी तरीके से बनाता हुआ नजर आ रहा है और चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है मुझे एटलीस्ट तो अच्छा खासा यहाँ पर नजर आता है ये चीजें तो यहाँ पर इस शेयर की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं इसके अलावा एक और शेयर है आदित्य आदित्य वीजन लिमिटेड वीजन लिमिटेड काफी बेहतरीन स्टॉक्स है ओके okay, यहाँ पर बट ये स्टॉक्स काफी टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है इसके नंबर देखेंगे इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है जब इसके नंबर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी क्यों यहाँ पर इस स्टॉक्स को बताया जा रहा है एक बेहतरीन स्टॉक्स और काफी कंसोलिडेशन का जब चलना शुरू करेगा तो अच्छा खासा भागेगा तो यहाँ पर आज की डेट में लगभग दो परसेंट भागा है। और इस लेवल को अंडर सेवन फिफ्टी जो एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ नौ सौ इक्यावन को अगर क्रॉस किया तो याद रखिए एक अच्छी खासी रैली इसमें हो सकती है और जा सकती है तो इस शेयर की तरफ भी आपको क्या करना है ध्यान देना है इसके अलावा एस एम सी ग्लोबल सिक्योरिटीज इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए ओके ये भी शेयर मुझे लग भागते हुए नजर आ रहा है और शॉर्ट टर्म में लगभग आपको अच्छे खासे गेन देते हुए नजर आता है यहाँ पर अगर ये इस लेवल को निकाल देता है एटी थ्री के लेवल को अगर ये निकाल देता है तो याद रखिए इसमें एक रैली होती हुई नजर आएगी जो आपको सीधे कितने परसेंट के 12 परसेंट के रिटर्न देती हुई नजर आएगी जो कि यहाँ पर इस लेवल तक जाती हुई नजर आती है 88 और इस लेवल को भी निकाल देता है तो चीजें यहाँ पर ऊपर जाएगी और मुझे लगता है आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन ये चीजें ऊपर जाती हुई नजर आती है और राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाने पर इस लेवल को भी निकाल के शायद और ऊपर जा सकता है तो इस शेयर की तरफ खास निगाह बना के रखिए इसके अलावा शाम मेटालिक इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान लगा के रखना है क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न है। और निफ्टी मेटल थोड़ा सा यहाँ पर आ, है ही आपको बताया थोड़ी सी गिरावट हुई है जस्ट बिकॉज यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई थी मेटल सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग हुई थी बट उस तरीके की गिरावट नहीं है एक बेहतरीन सपोर्ट के साथ है बट याद रखिए सपोर्ट की बात करूं तो तीन सौ सत्तावन के नीचे अगर आ जाता है ये शेयर तो चुपचाप आपको निकलना भी है क्यों उसके बाद यहाँ पर गिरावट दोबारा हो सकती है जो कि इसे 40-50 रुपए नीचे लेके जा सकती है बट ऊपर के लेवल की अगर बात करें तो ऊपर के लेवल पे ये यहाँ से भागना शुरू किया ओके तीन सौ पचासी को निकालता है तो एक अच्छी खासी रैली चार सौ चौदह और इसे ऊपर की तरफ ले की जाएगी राउंडिंग बॉटम पर ही बनता हुआ मुझे एटलीस्ट नजर आता है इसके अलावा हम बात करेंगे एक और स्टॉक से रिलेटेड टीवी एटीन ब्रॉडकास्ट बार बार बता रहा हूँ पैंतालीस रुपए से बता रहा हूँ यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है केवल और केवल कंसोलिडेशन कर रहा है चीजें यहाँ पर से यहाँ पर जो वॉल्यूम आ रहे हैं इसके काफी बेहतरीन यहाँ पर वॉल्यूम आ रहे हैं ओके okay, यहाँ से जब चीजें ऊपर जानी शुरू करेगी तो यहाँ पर सीधे एक रुपए से पहले यहाँ पर शेयर नहीं रुकना और एक रुपए का मतलब है अच्छे खासे रिटर्न मिलना तो टीवी एटीन में यहाँ पर ऑलरेडी इसमें वायर बायर हूँ तो याद रखिएगा इसके अलावा मैं इसमें भी बा, बायर हूँ नेटवर्क एटीन तो इसमें भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेटवर्क एटीन काफी बेहतरीन शेयर नजर आता है यहां पर भी कंसोलिडेशन कर रहा है ये शेयर इस लेवल को निकाले अगर ये नाइनटी के लेवल पर बार बार अटक रहा है अगर ये नाइन्टी के लेवल को निकालता है क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर निकालना

ओके okay, यहाँ पर सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर बारह सौ तिरपन का यहाँ पर सपोर्ट नजर आता है लगभग सौ डेढ़ सौ रुपए नीचे नजर आता है बट ये यह यहाँ पर जिस तरीके की कैंडल बना रहा है ऊपर जाने की बार बार कोशिश कर रहा है और इस लेवल को अगर ये निकाल देता है एग्जैक्ट इसका चौदह सौ चालीस रुपए इस लेवल को अगर निकालता है तो याद रखिए एक रैली होगी जो इसे सबसे पहले पंद्रह और फिर उसके बाद इसे यहाँ पर उन्नीस तक यहाँ पर लेके जा सकती है तो इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा रत्ना रत्ना मनी मेटल एंड ट्यूब्स शेयर से रिलेटेड भी आपको काफी और वीडियोस बनाई है ओके तो पर तो मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी फिर उसके बाद शेयर यहाँ पर दोबारा भागता हुआ नजर आया बट एक बेहतरीन क्रिटिकल लेवल्स पे यहाँ पर ये यह शेयर चलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस लेवल को ये निकालता है एग्जैक्ट लेवल में आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट लेवल ये है की छब्बीसो छब्बीस रुपए छब्बीसो तीस रुपए का अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पर एक रैली होगी जो इसे अट्ठाईसो रुपए तक लेकर अट्ठाईसो पचास तक लेके ले 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 जा सकती है इसके अलावा से रिलेटेड हमने बात कर ली है एक और स्टॉक से रिलेटेड हम करेंगे केपीआईटी के सारे आईटी स्टॉक्स ने मूव दिखाया है के यहाँ पर अभी उसके कंपैरिजन में पीछे दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर एक लेवल है जिसमें यहां पर ये यह बार बार अटक रहा है और आज के दिन में ये भागा भी था अः यहाँ पर इस लेवल को अगर ये क्रॉस कर लेता है याद रखिए एग्जैक्ट लेवल में आपको बता देता हूँ 620, 620 को क्रॉस कर लेता है आज ये 615 तक गया था 620 को क्रॉस करता है तो मुझे नजर आता है राउंडिंग राउंडिंग बॉटम बना के ये चीजें ऊपर नजर आती है यहाँ पर आठ रुपए से नीचे और हजार का टारगेट दिया था ब्रोकरेज हाउस ने तो साल के अंत तक हजार रुपए तक भी जा सकता है अच्छे खास से पचास साठ परसेंट के रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जी आर ओवरसीज इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है अपर सर्किट लगने शुरू हो गए जब ये शेयर नीचे था आपको बार बार आप यहाँ पर बता रहा था इसी लेवल को यहाँ पर निकालता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ से निकाल के ये शेयर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है सीधे के सीधे यहाँ पर बट इसके कुछ क्रूशियल लेवल है जिन्हें इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है आ, क्यों क्योंकि ऑपरेटर भी यहाँ पर इन्हीं लेवल को ध्यान में रखते हैं अगर इस लेवल को निकाल देता है छह को तो एक लेवल यहाँ पर है छे के सात के आसपास फिर लेवल है आठ के आसपास और यहाँ पर है फिर इस लेवल यहाँ पर ही आके सीधे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई फिर उसके बाद और उसके ऊपर भी यहाँ पर ये यह शेयर भाग सकता है क्यों क्योंकि काफी कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पर भी शेयर ये जागना शुरू कर दिया है ये ऐसे ही शेयर है इसके अलावा ग्रीन प्लाईज से रिलेटेड हमने बात कर लिया तो ये सारे के सारे स्टॉक्स से जहां पर आपको नजरें बनानी है कल के भी कुछ स्टॉक्स है आज के कुछ अलग अलग स्टॉक्स है तो नजरें बनाइए देखिए ओके सीखिए और सीखने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर पोजिशन लेना शुरू करेंगे तो यहाँ पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके कब मैं आपको कह रहा हूँ तो इस पर आपको बिलीव नहीं करना आपको किसी के कहने पर बिलीव नहीं करना खुद की स्टडी पे करना है चीजें अच्छी लगे समझना है समझ के जब काम करेंगे एक साल देंगे दो साल देंगे मार्केट में तो पैसा बनेगा तो यहाँ पर अलविदा कर लेते हैं अगला वीडियो आएगा उससे देखिएगा इन्वेस्ट फोर एवर चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन पर हिट तो और नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहां पर खुद नहीं कर पाते तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हम आपको बताएंगे सो थैंक यू सो मच फॉर प्लेस